हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार से पसंदों का सालन बनाना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने पसंदों का सालन किस तरह बनाया है। यहाँ 1.5 किलो पसंदे ले लिए हैं। ये कुछ मसाले हैं, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून खसखस ले ली थी, जिसे मैंने छोटी सी प्याज के साथ पीस लिया है। प्याज मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि खसखस जो है वो पिसती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी थी ताकि खसखस जो है वो आराम से पिस जाए। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ एक बड़े से वेसल के अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं प्याज के फ्राई होने के बाद। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं प्याज को निकाल लूंगी। यहाँ देखिए, प्याज फ्राई हो गई है, मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब मैं प्याज को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद मैं इसे पीस लूंगी प्याज को। यहाँ देखिए, मैंने ऑयल के अंदर 5-6 लौंगे और 5-6 छोटी इलायची डाल ली है। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ देखिए, जिंजर गार्लिक को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं मसाला डाल दूंगी। मसाला डाल देंगे हम, सारा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने खसखस पीसी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मसाले को भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा नीचे से लगे ना। ये देखिए, दोबारा मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए और कच्चा ना रहे। ये देखिए, मैंने एक बार और पानी डाल दिया था और मसाले को हमारे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पसंदे डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए, मैंने 1/2 किलो दही ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूंगी। फेटूंगी मैं इसलिए इसे क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे दही बगैर फेटे तो लम्स बन जाएंगे सालन के अंदर, घुटली सी बन जाएगी दही। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसा सालन बनाएं आप तो दही फेट के ही डालें। अब यहाँ देखिए, अब मैं ये दही मैंने फेट लिया है। अब मैं ये दही भी इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, दही डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं पसंदे। अब पसंदे जो हैं वो दही के पानी में पकेंगे। ये जल्दी गल जाते हैं तो ये इसी पानी के अंदर गल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं जब हमारे पसंदे गल जाएंगे उसके बाद। अब मैं ढक के कुक करूंगी मीडियम फ्लेम पे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो चलिए पसंदों को चेक कर लेते हैं एक बार। 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए पसंदों को। ये देखिए आप, दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। एक बार चला लेंगे हम। अभी पसंदे जो हैं वो गले नहीं हैं, तो मैं 15 मिनट और ढक के कुक करूंगी इसे ताकि पसंदे जो हैं वो हमारे अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं, सालन को चेक कर लेते हैं। सालन को चेक करने से पहले यहाँ जो प्याज हमने फ्राई की थी उसे मैंने इस तरह से कूट लिया है। तो चलिए अब मैं ये प्याज जो है वो सालन के अंदर डालूंगी। ये देखिए गोश्त भी थोड़ा टेंडर हो गया है हमारा पहले से। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं प्याज डाल दूंगी। ये प्याज डाल देंगे हम सारी। मिक्स कर लेंगे प्याज डाल के अच्छे से। ये देखिए, प्याज डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें प्याज को भूनना है
तो हम इसे 10 से 15 मिनट और भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमारी प्याज भी अच्छे से भुन जाएगी और जो हमारे पसंदे हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं पसंदों को एक बार। 15 मिनट हो गए हैं, सालन को चेक कर लेते हैं हम। और यहाँ हमारा गोश्त भी एकदम अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है एकदम अच्छे से, और ये मसाला भी एकदम अच्छे से भुन गया है और हमारे पसंदे बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पसंदों का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।